नए साल की शुरुआत में बिग बॉस ने प्रतियोगियों को जोर का झटका दिया है। नए साल के मौके पर जारी प्रोमो में घर से एक और सदस्य का नॉमिनेशन हो गया है, वो भी ऐसे सदस्य का जो सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। बिग बॉस ने इस सिलसिले में एक नया प्रोमो जारी किया है। प्रोमो की शुरुआत इसी से होती है कि पहले ही दिन पहला धमाका। बिग बॉस कहते हैं कि आज नॉमिनेशन का दिन है और इसका अधिकार सिर्फ करंट कैप्टन और एक्स कैप्टन के पास है। इसके बाद प्रतियोगी अपनी अपनी राय इसे लेकर बताने लगते हैं। ईशा मालवीय कहती हैं कि वो आयशा को नॉमिनेट करना चाहती हैं। मुनव्वर फारूकी अनुराग का नाम लेते हैं। साउथ कोरियन सिंगर औरा अभिषेक को नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद फिर से बिग बॉस की आवाज गूंजती है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ इस मोहल्ले की भीड़ ही हैं, तो इस मोहल्ले की भीड़ कम करते हैं भाई, अभी के अभी कोई एक होगा बेघर। हालांकि बिग बॉस किसी प्रतियोगी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि करण कैप्टन और एक्स कैप्टन की सहमति पर अनुराग डोभाल घर से बाहर हो सकते हैं। इससे पहले रिंकू धवन व नील भट्ट डबल एविक्शन की चपेट में आए थे और अब अनुराग घर से बाहर जा सकते हैं। बहरहाल अब सबकी नजरें 1 जनवरी को प्रसारित होने वाले इस एपिसोड पर लग गई हैं कि क्या वाकई में अनुराग घर से बाहर होने जा रहे हैं। हमें भी इसका इंतजार रहेगा। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।